नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। गाइज यहां पर आप देखेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 M2701 सेट ए का पेपर। जी हां गाइज, सेट ए का पेपर आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपके लिए मैं हिंदी का पेपर लेकर के आया हूं कक्षा 9वीं का, जो कि आपको 24 तारीख को होने वाला है। आज है 23 तारीख के और सुबह के बज रहे हैं 8। तो गाइज 8 बजे आपको, यानी बहुत टाइम पहले आपको कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर दिया जा रहा है। तो गाइज इस पेपर को आप पूरा कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न पत्र आपको 24 तारीख के दिन हल करना पड़ेगा, यानी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो, ताकि जैसे ही मैं पेपर अपलोड करूं, कक्षा 9वीं की बात नहीं है, कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं जिस आगे भविष्य में भी यह चैनल आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, इसलिए अभी से सब्सक्राइब करना आपका धर्म बनता है। ठीक है, जल्दी से कर लो। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहां पर मौजूद है, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुन करके लिखिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को रिक्त स्थान कहते हैं। इसमें सही विकल्प आपको छाट करके लिखना है। तो देख सकते हैं आप, बहुत आसान से प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जा रहे हैं। रेणु के पैदल आने पर पिता क्या करते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सही आंसर आपको चार्ट करके लिखना है। और अगर आपको आंसर शीट की जरूरत हो तो आंसर शीट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर आंसर शीट दीजिए, तो हमने आपके लिए आंसर शीट बना करके तैयार करके रखी है, बस आपके कमेंट का इंतजार है, बस वैसे ही अपलोड कर देंगे हम आंसर शीट। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं और ललध्यक ने मूल्यवान बताया है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मैंने निशान यहाँ पर लगा रखे आपके लिए, फिर भी आप देख लीजिएगा कि आपके लिए क्या सही है। ठीक है, और ल्यासा में चाय में डाला जाता था इस तरीके से शक्कर, गुड़, मक्खन और नमक और दूध, आपको सही आंसर पता होगा। रिक्त स्थान मैंने यहां पर आपके लिए बिल्कुल करेक्ट रिक्त स्थान यहां पर निशान लगा दिए, आप अच्छे से इनको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस असली ओरिजिनल पेपर यही है, आपको यही कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको 24 तारीख के दिन जो हिंदी का पेपर होगा इन्हीं प्रश्नों में से हल करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से इन रिक्त स्थानों को नोट करिए, लिखिए जल्दी से, क्योंकि पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है वैसे ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ये रही सही जोड़ी जो आपको इस तरीके से यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये सही जोड़ी भी मैंने यहाँ पर सही सही आंसर्स लिख दिए। ठीक है, बाकी प्रश्नों के आंसर मैं आंसर शीट में दे दूंगा आपको। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से सही जोड़ी बनाइए, आपको इस तरीके से दिया जाएगा जिनमें से आपको सही जोड़ी बनानी होगी। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। तो इन चारों पांचों प्रश्नों को भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज ये सत्य असत्य यानी पांच नंबर आपको दिलाएंगे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल प्रश्न पत्र इस वर्ष पूछा जाने वाला है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर पाँचवा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे और पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ है। इसके बाद वात्सल्य रस के सम्राट का क्या नाम था और वाक किसे कहते हैं। सलीम अली की मदद किसने की थी। ठीक है, और छठवां प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली और अपना उल्लू सीधा करना। बहुत आसान प्रश्न है, आप अच्छे से नोट कर सकते हो और इसका आंसर बिना सहायक सामग्री का सहायता लिए लिख सकते हैं। ठीक है, ये अथवा वाला भी आप नोट कर लीजिएगा, तत्सम शब्दों को तद्भव शब्द लिखिए, कोई चार शब्दों का आपको तद्भव शब्द लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में अलंकार आपको छाट करके लिखना है, तो जल्दी से नोट करिएगा। यह सातवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें अपनी कॉपी बुक में। ठीक है, आठवां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, सवैया छंद किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करने की कोशिश करिएगा, जल्दी से नोट करने की कोशिश नहीं, आप नोट करिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा और कम टाइम में आपको बहुत प्रॉफिट लेना है। ठीक है, ये तो सेट ए है, बाकी के चार सेट में इसके बाद अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको पास में पाँचों सेट पहुँच जाए, ताकि गाइज पूरे में से पूरे नंबर आप प्राप्त कर सके, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मैं पेपर अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो देखिएगा, नौवां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, कबीर किस प्रकार के संत थे और कच्चे चकोरे का क्या अर्थ है। और दसवां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, लिखिएगा जल्दी से, पढ़ने में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आप स्वयं ही लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, क्योंकि मतलब यार बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, इसलिए 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है, 11वां अथवा भी नोट करिएगा और मेन प्रश्न भी नोट करिएगा, हो सके कि अथवा आ जाए और मेन प्रश्न ना आए, इसलिए आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं सभी प्रश्न। 12वां आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देखिए, 13वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मौजूद है,
देखिएगा पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने यहाँ पर मौजूद है गाइज, देखिएगा ठीक है। 13वां, ज्ञानी से कवि का क्या आशय है, जीवन की उमंग से बच्चे क्यों वंचित हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, तिब्बत की महिलाओं की क्या क्या विशेषताएं थी और लेखक ने प्रेमचंद को किन किन उपाधियों से विभूषित किया है, ठीक है। देखिएगा 15वां प्रश्न और 16वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, गोरेया लॉरेंस के विषय में क्या क्या बातें जानती है और कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनकर सभी की क्या प्रतिक्रिया थी और लेखक परसाई जी प्रेमचंद को क्या सलाह दे रहे थे और नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कथन से हीरा का क्या आशय है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 17वां प्रश्न और 18वां प्रश्न, दोनों प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है, आप जल्दी से नोट करिएगा। नीचे दिए गए जीव जंतु में से किन्हीं तीन की विशेषताएं आपको लिखनी है और ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से आप जो है हल कर सकते हैं। कुत्ता, बकरी, हिरण, हाथी, मोर, कौवा, इस तरीके से आप देखिएगा जल्दी से। और पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है लिखिए। इस प्रश्न पत्र को आप भले ही 10 पेज में लिख सकते हैं बहुत आसानी से, बिना देखे लिखते ही जाइए ख़त्म ही नहीं होगा, पर आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं इसका, ठीक है। 18वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, अपनी सुबह से रात की दिनचर्या आपको लिखना है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जिससे आपको पछताना पड़ा हो, लिखिए। हो सकता है गलती से आपका ऐसा काम हो गया हो तो उसे आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। देखिएगा 19वां प्रश्न है, यहाँ पर आप देखिए, यमक और श्लेष अलंकार में कोई 3 अंतर आपको लिखना है और रस की परिभाषा देते हुए उसके 3 अंगों को आपको लिखना है, ठीक है। उसके अंगों को लिखना है, कोई 3 अंग लिख देना है इस तरीके से, ठीक है। देख लेना यहाँ पर, बहुत अच्छे से बहुत आसान सा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर था। 20वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, सगुण भक्ति धारा की 2 शाखाओं के नाम और उसके कवि एवं उनकी एक एक रचनाओं के सहित लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और वीरगाथा काल की कोई 4 विशेषताएं व 2 कवियों के नाम लिखना है आपको, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आपने, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 21वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, कबीरदास जी व माखनलाल चतुर्वेदी जी का कवि परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देना है, 2 रचनाएँ भावपक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ठीक है। आप अगला देखना है, 22वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है, ठीक है। ये संदर्भ, ये क्या पद्यांश आपको यहाँ पर दिया गया है, अथवा वाला भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे अच्छे से कंप्लीट कर ले। और 23वां प्रश्न के अंतर्गत आपको दिया गया है, कहानी व उपन्यास में कोई 4 अंतर आपको लिखना है और जीवनी और आत्मकथा में कोई अंतर स्पष्ट करना है, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद 24वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी अथवा हरिशंकर परसाई जी का लेखक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। देखिएगा मैंने कहा था ना, प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं पर प्रश्न वही रहेंगे हर एक सेटों में। देखिएगा यहाँ पर सभी प्रश्न आपके सामने यहाँ पर चल रहे हैं। ये देखिए 25वां प्रश्न, 25 प्रश्न यहाँ पर आपका चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। ये मेन गद्यांश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, ये अथवा वाला भी आप नोट कर लीजिएगा, जल्दी से देखिएगा और इनके संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। इसके बाद गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे ये नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको जो है आंसर देना है, उत्तर देना है। तो देखिएगा इन प्रश्नों को, इस तरीके से आपको प्रश्न दिए गए हैं, इनको आंसर आपको उचित गद्यांश में से देना है, ठीक है। देखिएगा 27वां प्रश्न है, अपने प्राचार्य महोदय को शाला मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई हेतु पत्र लिखना है, ठीक है। देखिएगा 28वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो ये टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, विषय यानी सब्जेक्ट यानी निबंध टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा इनमें से किसी एक पर आपको जो है 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है, बहुत करेक्ट तरीके से आप लिख सकते हैं। और रूपरेखा आपको यहाँ पर दी गई है, इनमें से किसी एक पर आप जो है बहुत अच्छे तरीके से रूपरेखा लिख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से हमारा प्रश्न पत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है, कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का 2021-22 का M2701 सेट ए का पेपर है और हिंदी का पेपर है, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर हमने यहाँ पर कंप्लीटली देख लिया। अगर आंसर शीट की जरूरत हो तो आंसर शीट के लिए नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ सर आंसर शीट की जरूरत है, तो हम आंसर शीट बना रखी है, वैसे ही अपलोड कर देंगे हम। फिर भी कमेंट आएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों को आंसर शीट की जरूरत है, ठीक है। तो गाइज जल्दी से कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली कक्षाओं के पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जाइए जल्दी से और देखिएगा और इसके आंसर तैयार करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपका। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से आप परीक्षा देना और ये पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है वैसे मुझे पता है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।